हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मिलाकर पढ़ाई करो। आज मुझसे सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखा जाए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब डिपेंड ये करता है, जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो क्या होता है, जब भी कोई एक नया स्टूडेंट्स आता है तो मैं सबसे पहले उससे कहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मात्र आपको 1 से लेकर 30 तक आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए। जब 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट है, अगर जितना अच्छे ढंग से याद होगा, मींस क्या होता है उसमें से, देखिए आपको सिंबल पता होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, तो आपको H दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैं पूछूंगा किस एलिमेंट का 8 नंबर होता है, तो आपको माइंड में चाहिए ऑक्सीजन का। तो ये क्या होता है कि तब जाकर क्या होता है, केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे ढंग से आएगी। जैसे कोई माने किसी ने फॉर्मूला बोला कि हाइड्रोजन ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप क्या लिखेंगे? बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनके हाथ क्या होते हैं, रुक जाते हैं या फिर अगल बगल झांकने लगते हैं कि चलो चीटिंग कर ले, आ जाएगा। बट सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, वो है जमकर प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं बताऊंगा बेहद आसान तरीका, जिससे क्या होगा 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, 1 से लेकर 30 तक कवर हो जाते हैं। चलिए, अच्छा, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो है वह हाइड्रोजन, देन फिर क्या होता है हीलियम, फिर क्या होता है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। देखिए अब तो ये तो बात हो गई, इनको फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल अगर स्टार्टिंग किया हुआ है, आपको कुछ नहीं पता केमिस्ट्री के बारे में, तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उनके लिए जिनको नहीं पता। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल सीरीज से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टन। अब इनके सिंबल मैंने लिख दिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके फंडे के हिसाब से देखिए क्या होगा, हाई हील्स। देखिए बहुत मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप भी कॉपी पे लेकर बैठे हैं, साथ में करते जाएंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। देन लिए, हाई हील्स लिए, बिना भी, कल, नानी और फूफा नाचे की। तो ये क्या हुआ कॉन्सेप्ट में, हाइड्रोजन को किससे लिखा हम लोगों ने, हाई से, ठीक, हीलियम को हील से, लिथियम को लिए, बेरिलियम को बिना, बोरॉन को भी, कार्बन से, कल, नाइट्रोजन को नानी एंड जो ऑक्सीजन और फूफा जी को लिखा हुआ है, एफ को उन्होंने फूफा जी लिखा हुआ है एंड नाचेंगे। तो ये एक शादी में गए और वहाँ पर जमकर डांस हो रहा है, कुछ लोग हाई हील्स पहने हुए हैं, वहाँ पर नानी जी और फूफा जी की मुलाकात होती है, जमकर डांस करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक का फंडा बन गया। तो ये आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। देन अब आते हैं 11 से लेकर 20 तक क्या फंडा होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, देखिए मैं लिखता भी जा रहा साथ में, ना मांगे अल्लाह से, अल्लाह से मीन्स एल्युमिनियम, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। अब इनको नंबर लिख लीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसको मैं जम का प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे क्या होगा जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए दूर मैं कर दूंगा इसी वीडियो में। देखिएगा, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी तो आपने जरूर पी होगी, ठीक, सोडा उसमें होता ही है, फिर पेप्सी के साथ में कोला, दोनों ही कंपनी बड़ी फेमस कंपनी है, पेप्सी भी फेमस है, कोला भी फेमस है, तो चलिए कोले में आते हैं हम लोग। देन और कुछ लोग मैं लिख देता हूँ, AUR से लिख देता हूँ, काजू आपने जरूर खाया होगा,
पार्टी वगैरह में। देन केक तो भैया आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बन गया, कोई जरा फंक्शन हुआ नहीं बच्चे इसको बिल्कुल काट डालते हैं कि हाँ हर पार्टी में केक आएगा। देखिए यहाँ पे जो बना कॉन्सेप्ट क्या बना, सोडियम को मैं दिखाया हुआ है 9 से, ठीक, मांगे मतलब मैग्नीशियम को मांगे, एल्युमिनियम को अल्ला और SI से फास्फोरस को पेप्सी, सल्फर को सोडा एंड कोला को मींस क्लोरीन को मैंने कोला से दिखाया हुआ है, आर्गन और के मींस पोटेशियम को काजू से, कैल्शियम को केक से। तो ये बन गया फंडा क्या होगा ये। देन अब आता है 21 से लेकर 30 तक। देखिए अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन। अब क्या बना था सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई ना कोई कप जीतेगा, ठीक। तो ये पूरा हो गया। चलिए अच्छा इसके नंबर लिख लिया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, then 30। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात आपको बेहद आसान तरीके से समझ आ गई होगी। ये क्लियर हो गया 1 से लेकर 10 तक क्लियर हो गया, 11 से लेकर 20 तक क्लियर, और 21 से लेकर 30 तक, इनके मैंने एलिमेंट्स लिख लिए और एटॉमिक जो नेम होते हैं एटॉमिक्स के मैंने बता दिए, सिंबल में लिख लिए। SC का मतलब क्या होगा, सचिन, सचिन को कौन नहीं जानता है, बहुत महान प्लेयर थे, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है, क्रिकेट समझ लीजिए कि क्रिकेट का भगवान है। देन तेंदुलकर ई से होगा बट हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आई से लिखा तेंदुलकर, ये एन है, मिस्टेक राइटिंग बड़ी गंदी हो गई, तेंदुलकर एंड विराट, विराट को कौन नहीं जानता है। देन क्रिकेट, तो क्रिकेट तो अपने इंडिया में कड़कड़ा में निवास करता है। देन क्रिकेट में फिर कोई ना एक ऐड कर दिया सिर्फ कहानी की वजह से, कोई ना कोई को लिख लेते हैं, आई से ही लिख लेते हैं, कोई ना कोई कप जीतेगा, तो शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। देन ये बन गया फंडा, क्या बना, सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई ना कोई, देखिए नोई निकल रहा है एंड IRNI, तो कोई ना कोई कप जीतेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया है पूरा फंडा। देखिए मैं पूरा फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, देखिएगा, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा नाचेंगे, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया, पूरी रो तैयार हो गई, 1 से लेकर 10 तक पूरी रो तैयार, इसमें से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन अब दे रखे 11 से 20 दे रखे हैं, तो क्या होगा, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। देन स्कैंडियम सचिन, टाइटेनियम को तेंदुलकर विराट क्रिकेट CR, क्रोमियम मैगनीज, देन आयरन को बोलते हैं फिर, इसको मैं FER लिख दे जिससे क्या होगा कि पूरा रिलेट हो सके। देन कोई ना कोई कब जीतेगा, तो ये पूरा ओवरऑल बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको मैं रफ कर दूँ, चलिए अच्छा रफ कर देता हूँ मैं, चलिए अच्छा रफ करने कोई नीड नहीं है, मैं ऐसे ही पूछता हूँ। अगर किसी ने पूछा, मान लीजिए टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है या फॉर्मूले बोले जा रहा है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते, वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने फंडा बनाया, ठीक। ऐसे कहा किसी ने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो आपके माइंड क्या आएगा, N। नंबर पूछेगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे देखिए, पहले हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी, मतलब किसमें आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है, तो 7 का मीन्स क्या हुआ, नाइट्रोजन, तो नानी से क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। देन फिर कहा जाएगा कि क्लोरीन, तो आपको माइंड क्या चाहिए, यहाँ क्लोरीन कहाँ पर है, 1 से लेकर 20 तक बीच में है, तो किस नंबर पे आ रहा है, चलिए चेक करते इसका नंबर क्या होगा, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, 10 के बाद क्या करेंगे, इधर प्लस करेंगे, इसके बाद 20 से भी इधर प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ही होना है, तो ये 7 पे आ रहा है, तो 10 को ऐड किया कितना आया, 17 आया, क्लियर। इसी तरीके से कोई कहेगा कि एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या करें, ना मांगे अल्लाह से, तो ये हो गया।
इस तरीके से किसी ने कहा कि फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, फूफा, फूफा जी हो गया। देन इसी प्रकार से किसी ने कहा इसका क्रोमियम का क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, क्रिकेट किसमें आ रहा है, 24 में आया, तो ये हो गया आपका। इस तरीके से पूरा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिसको नीड है उसको ही शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताइए, अपने ग्रुप में बताइए। कितना आसान तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को याद किया जा सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू एक नंबर वाइज। नंबर वाइज क्यों जरूरी होता है, नंबर वाइज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको क्या क्या फाइंड करने में आसानी रहती है, बैलेंसिंग फाइंड करने में बहुत आसानी रहती है। एंड जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसकी नीड पड़ती है। जब भी कोई फॉर्मूला करेंगे इसी से ही निकलता है, कोई रिएक्शन करेंगे इसी से निकलता है। कोई टीचर बोलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम फिर क्या होगा, ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड हो गया। तो जब आपको यही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। किसी ने कहा फास्फोरस सिंबल क्या होता है, आपको पी, तो आप इसको बार 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 करेंगे तभी आपको समझ। जब मैं क्लास में बच्चों क्लास लेता हूँ मैं तो साफ कर देता हूँ, जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आने वाली है, यही सच्चाई है। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में होता है 1 2 3 4 होता है या टेबल होते हैं वहीं से स्टार्ट हो मैथ होती है, उसी तरीके से क्या होता है कि इंग्लिश में भी ए बी सी डी स्टार्ट होता है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको आना चाहिए। देखिए होते हैं क्या, बहुत से होते हैं एलिमेंट, 100 के ऊपर होते हैं। ठीक, बट क्या है जो मेनली जो इम्पोर्टेंट होता है 1 से लेकर 30 तक ही इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादातर। ये आपको समझ लीजिए कि 6th 7th 8th से स्टार्ट होकर जितनी भी क्लासेज होती हैं उनमें यूज होता है। बट हैरानी तब होती है जब बच्चा आता है 9th में आता है 10th में आता है, कभी कभार 11th और जो 12th के बच्चे तो वो भी नहीं जान पाते, लगता है वो कैसे पास हो गया। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो उनको नहीं आता, बट जो एग्जैक्टली किस तरीके से याद हो जाए वो प्रॉपर आपको आना चाहिए। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको बहुत ढंग से इसको लर्न कर लें, चलते फिरते आप लोग इसको याद कर सकते, बहुत ही आसान फंडा। जाते जाते मैं फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा नाचें, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, देन सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई ना कोई कब जीतेगा। अब देख कितना आसान है। अब किसी ने कहा कि 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर बताओ, फटाफट आप माइंड में करते जाओ, क्या करोगे, हाई हिल्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा नाचेंगे, तो 1 से लेकर 10 तक हो गया। फिर क्या होगा, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी सोडा और काजू केक, ये हो गया 11 से लेकर 20 तक। फिर किसी ने कहा कि 21 से लेकर 30 तक कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप मन में इसको करेंगे बट एक्सप्लेन क्या करेंगे, एक्सप्लेन आपको यही करना है। ये फंडा आपको कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा, इतना आसान तरीका क्या आपने पहले कहीं पढ़ा था, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, इससे क्या होगा जो हमारा परिवार है ऑनलाइन का परिवार, मुझे लगेगा कि हाँ उनको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आपने लाइक कर भी दिया होगा, कोई कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।